नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी इंडियन नेट्स। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। चलिए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में, आज के दिन क्या क्या घटा था। आज ही के दिन साल 1952 में पहली बार मिस्र की क्रांति मनाई गई थी। आपको बता दें कि इस दिन को मिस्र में क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन मिस्र में राज्य की अवधि को समाप्त करते हुए मिस्र आधुनिक गणराज्य की घोषणा की गई थी। इस दिन को मिस्र का राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। आज ही के दिन साल 1829 में विलियम ऑस्टिन बर्ट ने टाइपोग्राफर का पेटेंट करवाया था। आपको बता दें कि विलियम ऑस्टिन बर्ट अमेरिकी आविष्कारक होने के साथ साथ विधायक और एक राइटर भी थे। विलियम को टाइपराइटर का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने इसके अलावा सौर कंपास, भूमध्य रेखीय सेक्सटेंट और एक सटीक नौवाहन सहायता का आविष्कार किया था। आज ही के दिन साल 1856 में लोकमान्य तिलक के नाम से मशहूर बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। आपको बता दें कि लोकमान्य तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता भी थे। ब्रिटिश औपनिवेशक उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। इनका दिया हुआ नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, उस समय काफी प्रसिद्ध था। आज ही के दिन साल 1906 में भारतीय इतिहास के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के छोटे से गाँव भाभरा में हुआ था। इन्होंने 1928 में भगत सिंह के साथ अंग्रेजी अधिकारी सांडर्स की हत्या कर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। आज ही के दिन साल 1927 में मुंबई में भारत के पहले आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि उस समय इस केंद्र का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। हालांकि 1 मार्च 1930 में यह केंद्र दिवालिया घोषित हो गया था, जिसके बाद इसी साल इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आज ही के दिन साल 1973 में मशहूर गायक हिमेश रेशमिया का जन्म हुआ था। हालांकि हिमेश रेशमिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत गायक के तौर पर नहीं, संगीतकार के रूप में 1928 में आई फिल्म जब प्यार किया तो डरना क्या से की थी। आपको बता दें कि साल 2003 में आई फिल्म तेरे नाम में दिए इनके संगीत ने इनको बुलंदियों के शिखर पर पहुंचाया था। आज ही के दिन साल 2004 में कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले महमूद अली ने दुनिया को अलविदा कहा था। 3 दशक लंबे चले करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया था और 23 जुलाई 2004 में अमेरिका में हृदय रोग के चलते उनका निधन हो गया था। आज ही के दिन साल 2012 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका लक्ष्मी सहगल का निधन हुआ था। आपको बता दें कि लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज की अधिकारी व आजाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंत्री थी। इसके अलावा लक्ष्मी सहगल एक डॉक्टर भी थी, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबकी नजरों में आई थी। यही नहीं, लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर भी थी। तो दोस्तों, आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी हमारे इतिहास से जुड़ा कोई भी रोचक तथ्य या जानकारी है तो आप हमारे साथ उसे साझा कर सकते हैं। बने रहें दी इंडियन नेट्स के साथ। नमस्कार।